हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, लाइव आइए, जुड़िए ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। हेलो एवरीवन, लाइव आइए। हेलो फ्रेंड्स, आप हाय और हेलो ड्रॉप कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी लाइव जुड़िए ताकि हम सेशन स्टार्ट कर सकें। हाय वैशाली, कैसे हैं? हाय अंजू, हाय श्वेता, हाय रितु, हाय पंकज जी, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो एंड वास्तु बाय मंजू गोयल के प्लेटफॉर्म पे। आप लोग जुड़िए और हाय डालिए ताकि मुझे पता लगे आप लोग मेरी आवाज को सही सुन पा रहे हैं। हेलो अशित जी, हाय मोनिका गोयल, हेलो रचना, आप जुड़िए ताकि मैं सेशन स्टार्ट कर सकूं। हाय नेहा, हाय भावना, हाय भव्या, कैसे हैं आप? आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए कि क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है। चलो जब तक सभी लोग जुड़ते हैं मैं आपको थोड़ा सा वास्तुशास्त्र के बारे में बताती हूँ। वैसे तो वैदिक वास्तु के बारे में सभी लोगों को पता है कि हम नॉर्थ ईस्ट में किचन रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं, साउथ ईस्ट में किचन रखते हैं, साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाते हैं और हमारा नॉर्थ में बोरिंग रखते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें तो आप एप्लीकेबल अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप कोई भी वास्तु की रेमेडी कहीं से भी पढ़ के या किसी के घर में देख के आप कोई भी अपने आप एप्लीकेबल मत कीजिएगा। जैसे कोई भी मेडिसिन हम बिना डॉक्टर के रेकमेंड के एक दूसरे की यूज नहीं कर सकते, उसी तरह हर कोई वास्तु रेमेडी किसी के भी घर पे एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो सकती। आप इसे वास्तु शास्त्री की मदद से ही कि कौन किस तरह की रेमेडी आपको बताता है वही लगाइएगा, नहीं तो ये कई बार मुश्किल पैदा कर सकती है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा ना करिए, नहीं तो इसमें फिर वास्तुशास्त्री का नाम बदनाम होता है। तो मैं क्वेश्चन लेना शुरू करती हूँ आपके। हेलो पारुल, हेलो शैल, कैसे हैं? ओके भावना, भावना आपका क्वेश्चन है कि आपका नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है उसके लिए रेमेडी दीजिए। मैं पहले बताना चाहूंगी कि वास्तु शास्त्र में नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट के लिए कोई रेमेडी नहीं है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम टॉयलेट को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वास्तुशास्त्र के जो काल पुरुष होता है उसका सिर होता है, इस जगह पर हम टॉयलेट नहीं रेकमेंड कर सकते। इसके लिए इसका ये एक ही सॉल्यूशन होता है कि आपको वो रिमूव करना पड़ेगा, इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। सॉरी। हाय प्रीति, हाय पारुल, कैसे हैं? हेलो अशोक जी,
आप जुड़िए धीरे धीरे, मैं क्वेश्चन सभी के लेने की कोशिश करूंगी। ओके, अंजू जी पूछ रही हैं कि मैम आपने नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में फ्लावर बेडशीट मना की थी, तो सो कौन से कलर की बेस्ट होती है वहां पे? बेसिकली क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट में हम ग्रीन कलर और ग्रीन कलर के प्लांट से रिलेटेड कोई भी चीज वहां पे नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने आपको शायद वहां पे बेडशीट मना की थी कि कोई भी फ्लावर प्रिंट की आप बेडशीट या फ्लावर वहां पे ना यूज कीजिए। तो आप वहां पे ग्रे कलर यूज कर सकते हैं, क्रीम कलर यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं और स्काई ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों ही अवॉइड है, तो आप उसे यूज ना कीजिए। हाय उर्वशी, ओके, आप सही से सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, रुचि जी पूछ रही हैं कि उनके मेन गेट के सामने सीवर है, तो इसे हम ना वास्तुशास्त्र में द्वार भेद कहते हैं। अगर किसी के घर के बाहर, मेन गेट के बाहर सीवर आ जाता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी उनके घर में आनी शुरू हो जाती है, जिससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका घर की जो भी डायरेक्शन होगी उस एलिमेंट की स्ट्रिप आपको मेन गेट और आपके सीवर के बीच में डालनी होगी। सपोज आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो आप वहां पे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डालिए, जिससे वो वहां की एनर्जी को आपके घर के अंदर नहीं आने देगा। यदि साउथ है तो आप ब्रास और कॉपर की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, अगर वेस्ट है तो आप आयरन की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। इस तरह आप वहां पे स्ट्रिप यूज करेंगे तो वहां की नेगेटिव वाइब्स आपके घर के अंदर नहीं आएंगी, तो आप इस वास्तु रेमेडी को कर सकते हैं। अशोक जी पूछ रहे हैं कि इनकी बोरिंग साउथ में है। सर मैं कहूंगी कि आप अगर साउथ में बोरिंग है तो प्लीज उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि साउथ में बोरिंग, साउथ में खड्डा, इट मींस आपकी स्टेबिलिटी, आपका पैसा, सब कुछ उस खड्डे में खत्म हो जाएगा। आपकी पेमेंट ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसीलिए साउथ वेस्ट की बोरिंग को हम खतरनाक मानते हैं, इसीलिए आप उसको बंद कर दीजिए, मैं इसकी रेमेडी रेकमेंड नहीं करती। मीनू जी पूछ रही हैं कि क्या हम अपने घर में एलिफेंट रख सकते हैं क्या? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो अगर मैं इसको वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहूं तो घर में एलिफेंट हम रख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली गज लक्ष्मी का वाहन भी होता है, लेकिन अगर मैं इसको एस्ट्रो के पॉइंट से देखूं तो इसे हम राहु के रूप में भी कंसीडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा राहु कमजोर होगा या खराब होगा तो ये नहीं होगा कि हाथी रखने से कभी आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए मैं हाथी को रेकमेंड नहीं करूंगी। इसलिए आप हाथी मत रखिए, आप घोड़े रखिए, साउथ में रेड कलर के रखिए, नॉर्थ में व्हाइट कलर के रखिए, या फिर आप वेस्ट में कैमल रख सकते हैं, डियर रख सकते हैं, तो आप इस तरह के यूज कीजिए, तो हाथी तो मैं मना ही करूंगी। शाइना गोयल जी आप पूछ रहे हैं कि आपके ब्रदर की मैरिज कब होगी। मैम ये ना एक्चुअली एस्ट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं बहुत जल्दी एस्ट्रो का सेशन लाने की कोशिश करूंगी जिसमें आपके इस सवाल का जवाब दूंगी, और नहीं तो आप मुझे पर्सनल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ये लग रहा है कि आपके घर में कोई एक्यूपिशियस इवेंट ही नहीं हो रहे तो उसको हम वास्तु से रिलेट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको अपने घर की एंट्री चेक करनी होगी कि कहीं वो E8 या S1 की एंट्री तो नहीं है। अगर ऐसी एंट्री होती है तो वो भी हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होने देती। अगर ऐसा है तो आप उसको ट्रीट कीजिए, आप वहां पे कॉपर या ब्रास की स्ट्रिप लगवा सकते हैं जिससे उसका नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, हेलो रितु, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें स्टेयर केस किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टेयर केस आपको बनानी किस डायरेक्शन में है। आपको पहले वो जोन चेक करना है कि वो जोन एक्सटेंडेड है या कटा हुआ है। अगर वो जोन एक्सटेंडेड है तो आप उसमें क्लॉकवाइज स्टेयर्स बनाइए, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर वहां की स्टेयर्स बनेगी तो वहां की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर वो जोन ऑलरेडी बड़ा हुआ है और आप उसमें क्लॉकवाइज और बना देंगी तो वो बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए वहां पे आप एंटी क्लॉकवाइज बना दीजिए। आपको ये स्टेयर केस बनाने से पहले जोन की बैलेंसिंग और बार चार्ट जरूर देखना है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल मत बनाइएगा स्टेयर केस, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट
बेसिकली वास्तु पुरुष का सिर होता है, अगर हम उसके ऊपर स्टेयर केस बना देंगे तो ये सोच लो आप, अगर हम किसी के सिर पे कोई वजन रख देते हैं तो उसका जो हाल होगा आपके घर का वही हाल हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस नहीं। ओके, उर्वशी जी पूछ रही हैं कि हम अपने घर में बुक्स कहाँ रख सकते हैं बच्चों की। बच्चों की बुक्स हमें वेस्ट साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये डायरेक्शन हमारी नॉलेज की डायरेक्शन होती है। अगर आप अपने बच्चों की बुक्स वेस्ट साउथ वेस्ट में रखेंगे तो उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो आपके बच्चों के दिमाग में रहेगा, वो उनके दिमाग से नहीं निकल सकता। इसीलिए वास्तु में वेस्ट साउथ वेस्ट को बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है बुक्स रखने के लिए। तो आप अपने बच्चे की बुक्स वहां पर रखिए और असर देखिए। ओके, हेलो शैल, आप पूछना चाह रहे हैं कि आप अपने ब्रांड को कैसे बड़ा कर सकते हैं। बेसिकली अगर एक तो मुझे बताइए कि आपका ब्रांड किस चीज का है। अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है या फिर आपका कॉस्मेटिक का ब्रांड है तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने ब्रांड का लोगो रेड कलर के पेपर पे अपनी फोटो के साथ साउथ में लगाइए। साउथ में लगाएंगे क्योंकि साउथ जो डायरेक्शन होती है वो ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। आपको किसी भी चीज का ब्रांड बनाना है तो आप साउथ में उसे लगा सकते हैं, जिससे आपकी प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी। हेलो कंचन, हेलो रिया, आप जुड़िए ताकि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देती रहूं। होप मेरी आवाज सबको सही सुनाई दे रही है। ओके, अनामिका जी पूछ रही हैं कि उनके बेटे की एज काफी हो गई है लेकिन वो फिर भी बेड वेटिंग करता है। अनामिका जी, मैं कह रही हूं कि आपके घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, क्योंकि जब घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो घर के बच्चों के अंदर वाटर की कंटेंट जो होता है वो बढ़ जाता है और उनके अंदर होल्डिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेड वेटिंग कर रहा है। आप एक बार तो नॉर्थ डायरेक्शन को चेक कीजिए और एक आप नॉर्थ वेस्ट को भी चेक करना, नॉर्थ वेस्ट में भी कुछ इम्बेलेंस हो सकता है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप इस चीज को बैलेंस कीजिए, 100% उसको आराम आएगा। हाय पूनम जी, आप पूछ रही हैं ओके कि आपकी बेटी शादी के लिए यस नहीं बोल रही है। देखो मैं बता रही हूं कि ये क्वेश्चन वैसे एस्ट्रो से रिलेटेड है, हम उनकी पत्री देख के बता सकते हैं कि किसी चीज का उनके सेवंथ हाउस पे हिट आ रहा होगा जिसकी वजह से वो मना कर रही हैं। लेकिन एक चीज और भी होती है वास्तु में कि अगर आप चेक कीजिए आपके घर की एंट्री या तो E8, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला E8 या S1 की एंट्री होती है, तब भी वो एंट्री हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होने देती। अगर वो एंट्री रहेगी तो आपकी बेटी हो सकता है शादी के लिए एग्री ना हो, तो आप उसे ट्रीट कीजिए। और इसके साथ आप ये चेक कीजिए कि नॉर्थ में N6 और N7 में कोई विंडो तो नहीं खुली अगर उधर, या तो वहां पे कोई एंट्री है या आपका बैक गेट भी हो सकता है जिसको आप खुला रखते हो, क्योंकि वो एंट्री भी ऐसी होती है जो हमारी डॉटर्स को हमारे व्यूज के अगेंस्ट कर देती है। अगर ऐसा होगा तो भी वो मना करती रहेगी। आप एक बार ये दोनों चीज ट्रीट कीजिए, अगर फिर भी आपको फर्क नहीं लगता तो आप एक बार उसकी होरोस्कोप चेक कराइए। ओके, रितु जी पूछ रही हैं कि SSW का पूजा रूम। रितु जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि SSW में पूजा रूम कभी भी नहीं बनता, क्योंकि बेसिकली ये डिस्पोजल की एक्टिविटी होती है, डिस्पोजल की जगह होती है। यहाँ पे सिर्फ टॉयलेट ही रेकमेंड की जाती है। अगर यहाँ पे आपका मंदिर होगा तो जितनी भी पूजा पाठ, जितनी भी आपकी पॉजिटिव वाइब्स आप जो हाँ वहां बैठ के लेना चाहेंगे वो सारी की सारी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो इस दिशा में मंदिर नहीं रेकमेंड होता, इसको आप जगह ही शिफ्ट करनी पड़ेगी आपको। पूजा जी, आप डेट ऑफ बर्थ भेज रही हैं मुझे, तो सॉरी आज का सेशन वास्तु का है, एस्ट्रो का सेशन हम बहुत जल्दी करेंगे तो आप इसका आंसर मैं उसमें दूंगी। आगे रिया जी, आप पूछ रही हैं कि विच डायरेक्शन इज बेस्ट टू कीप दी स्टडी डेस्क फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम स्किल से रिलेटेड होता है, तो स्किल की डायरेक्शन वास्तुशास्त्र में वेस्ट को मानी गई है। तो आप अपनी स्टडी टेबल या आपका जो डेस्क है जिसके ऊपर आप बैठ के काम करते हैं उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। आप बैठिए ईस्ट की साइड पीठ करके और वेस्ट की साइड आपका मुंह होना चाहिए, उससे आपके अंदर स्किल बढ़ेगी और आप डे बाय डे इम्प्रूव कर पाएंगे अपने काम में। तो ये बहुत अच्छी जगह मानी गई है इंजीनियर्स के लिए, बेसिकली जिनका काम कंप्यूटर पे होता है। हेलो कंचन जी, कंचन जी पूछ रहे हैं कि मैम मेरे घर में नॉर्थ फेसिंग है पूजा रूम। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में इनके बाथरूम है तो वो और कौन सी डायरेक्शन में मंदिर बना सकती हैं? देखो, पहले तो नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है तो आप उसे बंद कर दीजिए। अगर आपने बंद कर रखा है तो पूजा रूम आप नॉर्थ के बाद सबसे बेस्ट डायरेक्शन अगर मंदिर के लिए मानी गई है तो वो वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन को वैसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी जितने भी हमारे एंशियंट मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, सालासर का, आप कहीं का भी मैप उठा के देखिए, वहां पे भगवान की मूर्ति वेस्ट में ही प्लेस की गई है। इसीलिए वेस्ट डायरेक्शन को भी बहुत अच्छी डायरेक्शन माना गया है मंदिर के लिए। अगर मंदिर हम वेस्ट में, भगवान की मूर्ति ईस्ट की साइड होगी और हम पूजा करते हुए वेस्ट में हमारा मुंह रखेंगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में एक देवता होते हैं पुष्पदंत देव। पुष्पदंत देव बेसिकली हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। अगर हम उनकी जगह पे अपना मंदिर बना देते हैं तो मैं आपको गारंटीड कहती हूं कि जो भी आप भगवान से मांगेंगे वो इच्छा आपकी पूरी होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए आप वेस्ट में मंदिर बना सकते हैं। हेलो मनीषा, उर्वशी जी, शायद अभी मैंने पीछे जो आंसर दिया आपको, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ओके प्रिया, आप पूछ रहे हैं कि सर्वाइकल के इश्यू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रिया, आप अपने घर का वेस्ट चेक कीजिए, आपके घर के वेस्ट में या तो कट है या टॉयलेट है, क्योंकि कट और टॉयलेट अगर दोनों होंगे तो ये सर्वाइकल, वर्टिगो, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो इसी वजह से होती है। तो आप इसके लिए अगर टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ कॉपर की स्ट्रिप डलवाइए, अगर वहां पे कट है तो आप वहां पे येलो कलर की फोकस लाइट लगाइए, जिससे वो जोन इनहेंस हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। हेलो कौशल जी, आप पूछ रही हैं कि आपकी सारी हेल्थ रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर भी लगता है कि आपकी तबीयत में कोई ना कोई गड़बड़ है। जी, ऐसा अक्सर होता है। ये तब होता है जब हमारे नॉर्थ ईस्ट में कट होता है। आप एक बार अपने घर की डायरेक्शन चेक कीजिए, कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट में कट तो नहीं। अगर नॉर्थ ईस्ट में कट होगा तो आपको हर टाइम ये महसूस होता रहेगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये हमारी माइंड की डायरेक्शन है, ये हमारे माइंड को स्टेबल नहीं होने देगी अगर इसमें कट होगा। तो आप नॉर्थ ईस्ट में अगर कट है तो उसकी रेमेडी कीजिए, वहां पे फोकस लाइट लगाइए, तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। हेलो रितु जी, आप पूछ रहे हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हेल्थ इश्यू बेसिकली हमारी इम्यूनिटी कम होती है तब आते हैं, और हमारे घर में इम्यूनिटी का जोन NNE को माना गया है, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, जो हमारी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके घर में NNE में जरूर इम्बेलेंस मिलेगा, या तो वहां पे टॉयलेट होगी, या हो सकता है वहां पे बहुत हैवी वेट हो, या फिर कोई भी एंटी एक्टिविटी हो सकती है, हो सकता है वहां पे किचन हो। तो जिस तरह की भी एंटी एक्टिविटी वहां है आप उसे ट्रीट कीजिए, आपको नेचुरली फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि NNE ही एक ऐसी डायरेक्शन है जो हमारी पूरी बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। तो उसे आप स्ट्रांग कीजिए, आप नेचुरली स्ट्रांग हो जाएंगे। मीनू जी, आप पूछ रही हैं कि कांटेदार पौधे वास्तुशास्त्र में हम रेकमेंड नहीं करते किसी भी जोन में लगाने के लिए, लेकिन गुलाब को इससे अलग रखा गया है, क्योंकि गुलाब हम लक्ष्मी जी के चरणों में भी चढ़ाते हैं और एक बहुत ही शुभ पौधा होता है, तो इसको हम अपने घर में लगा सकते हैं। इसे कांटेदार पौधों में हम इंक्लूड नहीं करते, तो आप इसे लगाइए, लेकिन आप इसे साउथ डायरेक्शन में लगाइए, वहां पे ज्यादा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन में सूदिंग प्लांट्स लगते हैं, आप इसे साउथ डायरेक्शन में लगा सकते हैं।
मीनू जी पूछ रही हैं कि हम अपने घर में कहाँ पे पौधे लगा सकते हैं। हम अपने घर में पौधे नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ईस्ट में लगा सकते हैं, साउथ में लगा सकते हैं, लेकिन हमें नॉर्थ में पौधे लगाने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमारा जोन बहुत कम तो नहीं, मतलब हमारे घर का नॉर्थ कहीं बहुत छोटा तो नहीं है, और ऊपर से हम उसमें प्लांट्स और लगा देंगे तो वो उसकी एनर्जी को और कम कर देगा। यदि आपका घर बैलेंस स्टेट में है तो आप नॉर्थ में पौधे लगाइए, छोटे पौधे नॉर्थ में लगाइए, आप ईस्ट में पौधे लगाइए जो उसकी एनर्जी को और इन्हेंस कर सकता है, आप साउथ में पौधे लगा सकते हैं, साउथ में आप बड़े पेड़ भी लगा सकती हैं, लेकिन आप साउथ वेस्ट में पौधे नहीं लगाएंगे और वेस्ट में भी नहीं लगाएंगे। आपको पौधे लगाते समय उनके वास का भी ध्यान रखना है। साउथ में आप रेड कलर के यूज कीजिए और नॉर्थ और ईस्ट में आप ब्लू और ग्रीन कलर के पॉट ही यूज कीजिएगा, वहां पे रेड कलर नहीं चलेगा। मोनिका जी आप पूछ रहे हैं कि मैं अपने घर कब तक जा सकती हूं। देखो इसका आंसर वही मैं कहूंगी कि ये एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन है, ये मैं कुंडली देख के ही बता सकती हूँ कि आप अपने घर में कब तक जा सकती हैं, इसका मैं वास्तु से कोई रिलेट नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप कुछ ऐसा जानना चाहती हैं तो आप मुझे पर्सनल में डीएम कर सकती हैं। हेलो मोनिका जी, आप पूछ रहे हैं कि आपको बहुत सालों से ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, अगर आपको अर्थराइटिस की और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो 101% आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को ब्लॉक कीजिए, उसे बंद कीजिए, आपकी प्रॉब्लम में आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम बेसिकली हमारे जॉइंट्स के अंदर जॉइंट पेन इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर फ्लूड में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन होता है, और फ्लूड हमारा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर एलिमेंट में डिस्टर्बेंस होगी इसीलिए हमें जॉइंट पेन होगा। तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए, अगर टॉयलेट है तो उसे बंद कीजिए। ओके, अंजी जी पूछ रही हैं कि अपने बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए, स्टडीज के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि आप वेस्ट साउथ वेस्ट में उनकी बुक्स रखिए, जिससे उनकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और आप एक चीज और नोट कीजिए कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या उनका हर टाइम मन करता है कि वो टीवी देखें, तो आप चेक कीजिएगा, जरूर वेस्ट साउथ वेस्ट में टीवी मिलेगा जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ रहे हैं। और यदि वहां पे अगर बच्चों की गेम्स रखी है तो आप उनके सामने किताब रखिए, उनका मन गेम्स की तरफ ही भागता रहेगा। तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को स्ट्रांग कीजिए, जिससे आपके बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। पूजा जी आप पूछ रही हैं कि घर में फ्रेम किस डायरेक्शन में लगाने चाहिए। मैं इस क्वेश्चन आपका समझ नहीं पाई कि फ्रेम किस तरह का फ्रेम पूछ रही हैं आप इसे क्लियरली लिखिए, मैं आंसर करती हूं। अंजलि जी पूछ रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में आपने रेड और येलो मना किया है। हां जी बिल्कुल मना किया है, तो क्या ठाकुर जी के कपड़ों में भी वो कलर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल अंजलि जी, ठाकुर जी के पोशाक में या फिर आसन जो हम बिछाते हैं उसमें किसी में भी नॉर्थ ईस्ट में रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए, खासकर रेड कलर बिल्कुल अवॉइड है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा वाटर एलिमेंट है, और अगर वहां पे हम अगर फायर को लगा देंगे तो आप सोचिए क्या होगा जब आग और पानी मिल जाते हैं। इसीलिए किसी भी रूप में आप वहां पे रेड कलर यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ठाकुर जी के भी कपड़े आप दूसरे कलर के बना दीजिए। पूनम सिंगला जी पूछ रही हैं कि ईएससी में बाथरूम की कोई रेमेडी। बिल्कुल है पूनम जी, ईएससी के बाथरूम को आप ग्रीन कलर की टेप या फिर आप स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप से उसे काट सकती हैं, क्योंकि अगर ईएससी में टॉयलेट है तो वो आपकी चर्निंग एक्टिविटी को कम कर देगा, मतलब आप सोचें आपके सोचने की क्षमता को ही खत्म कर देता है ईएससी, क्योंकि वो हमारी चर्निंग की जगह है, इसीलिए आप उसको जरूर ट्रीट कीजिए। उसमें आप ये दोनों तरीकों से किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सोनी अग्रवाल जी पूछ रही हैं कि उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इसकी रेमेडी।
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली हम कपल्स को मना करते हैं क्योंकि ये ईशान कोण होता है, ये बेसिकली हमारे घर का पूजा का कमरा होता है, इस डायरेक्शन में हमारी पूजा रूम होना चाहिए। इस रूम में हम कपल्स के बेडरूम को मना करते हैं, आप अपने बच्चों का बेडरूम यहाँ बनाइए, आप अपने बेडरूम को किसी और जगह शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे आपके रिश्तों में सूखापन आना स्टार्ट हो जाएगा या दोनों में से किसी को एक हेल्थ इश्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप इस रूम को बदलिए। मीनू जी पूछ रही हैं कि बैक पेन के लिए क्या कर सकते हैं कमर के दर्द के लिए। ओके, कमर का दर्द बेसिकली ये हमारा होगा जरूर आपके नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट के जो एक्सेस होता है उसके ऊपर, जहां वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वहां पे आपने कोई वजन रख दिया या फिर कोई भी हैवी चीज इस टाइप की रख दी जो उस पॉइंट को पर्टिकुलर दबा रही होगी, तो आपको बैक पेन आना शुरू हो जाएगा। आप एक बार अपने घर का भ्रम स्थान और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का जो एक्सेस आता है उसे चेक कीजिए कि वहां पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा, उसे हटाइए, अगर है तो वो जरूर आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, भावना जी पूछ रही हैं कि उनका मनी फ्लो तो ठीक है लेकिन उनकी सेविंग नहीं हो पाती। इसका एकमात्र प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके वेस्ट में टॉयलेट है, उसे हटाइए, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन सेविंग की डायरेक्शन है, अगर उसमें टॉयलेट हो गई तो पूरी सेविंग ही खत्म हो जाएगी। तो आप उसको ट्रीट कीजिए, आप वहां पे येलो टेप लगा सकती हैं या फिर ब्रास की स्ट्रिप से उसे ट्रीट कर सकती हैं। पूनम जी पूछ रही हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट में प्लांट लगा सकते हैं क्या। पूनम जी बिल्कुल नहीं लगा सकते, हम साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक का पूरा जोन जो होता है उसमें प्लांट बिल्कुल अवॉइड होते हैं, तो आप वहां प्लांट नहीं लगाएंगे। थैंक यू अंजू जी, आप लिख रही हैं कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मीनू जी आप पूछ रहे हैं कि एंट्रेंस पे हम भगवान की फोटो लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर भी वही कहूंगी मैं कि आप ये देखिए कि आपकी एंट्री है कौन से जोन से। अगर वहां पे आप गणेश जी लगाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि उनके बैक साइड में भी एक आपको गणेश जी की मूर्ति लगानी है, लेकिन मैं कहूंगी कि बिल्कुल एंट्रेंस पे ऐसी जगह आप भगवान की मूर्ति ना लगाइए जहां आप पूजा नहीं कर सकते या उसकी सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो उल्टा नुकसान करना शुरू कर देगा। इसलिए भगवान का स्थान मंदिर में ही होता है, आप उन्हें मंदिर में ही विराजमान कीजिएगा। आप कह रही हैं अनामिका जी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है फिर भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की वजह से नहीं हो सकती, आपके नॉर्थ में भी कहीं इम्बेलेंस मिल सकता है। आपके वाटर के जो चार जोन होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन चारों में ही कहीं इम्बेलेंस मिल सकता है। या आपको, आप एक चीज बताइए कि आपको जॉइंट पेन पूरी बॉडी में है या पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे है। अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि आपके घर का कोई मरमा पॉइंट दबा हुआ हो, जिसकी वजह से जो पॉइंट दबा होगा आपकी बॉडी में उसी जगह पे पेन मिलेगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए कि पूरी बॉडी में पेन है या पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे पेन है। ओके, पूजा सिंह जी पूछ रहे हैं कि फैमिली फ्रेम कहाँ लगा सकते हैं। पूजा जी, फैमिली फ्रेम हम साउथ वेस्ट में लगाएंगे जिससे आपकी फैमिली के बीच में बॉन्डिंग भी बढ़ती है। ओके, निशा जी आप डेट ऑफ बर्थ से मुझे पूछ रही हैं, सॉरी ये वास्तु का सेशन है आज हमारा, एस्ट्रो का हम बहुत जल्दी करेंगे जिसमें मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। मनीषा जी पूछ रही हैं कैलकटा से कि हम अपने घर का वाटर टैंक किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। मनीषा जी, वाटर टैंक जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में बनाने चाहिए, और जो ओवरहेड वाटर टैंक होता है वो हमें ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं या हम वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं। जैसे मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बताया था कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें ओवरहेड वाटर टैंक
नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ओवरहेड वाटर टैंक लोग ये सोच के बना देते हैं कि ये वजन होता है और साउथ वेस्ट में वजन को प्लेस कर देते हैं। नहीं, साउथ वेस्ट में आप ऊपर वजन रख देंगे, नीचे घर का मालिक सोएगा तो उसके हार्ट पे दबाव पड़ेगा, तो इसलिए आप साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक मत बनाइए। अंजलि जी पूछ रही हैं कि पर्पल कलर की चेयर किस डायरेक्शन में रख सकते हैं। पर्पल कलर की चेयर बेसिकली जहां हमारा वाटर एलिमेंट आएगा वहीं पे रख सकते हैं, वाटर वाले जोन में आप उसे रख सकते हैं। निशा जी आप पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ देख के कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो इसका आंसर तो वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता है लेकिन वास्तु के हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ कि आप ईस्ट डायरेक्शन को चेक कीजिए। अगर ईस्ट डायरेक्शन में भी कोई इम्बेलेंस होगा, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है वो सारी ईस्ट डायरेक्शन से ही देखी जाती है, तो कहीं ईस्ट डायरेक्शन में कोई इम्बेलेंस तो नहीं, कहीं आपका गैस स्टोव तो नहीं है या कुछ और एंटी एक्टिविटी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर वैसा है तो उसको ट्रीट कीजिए। अनामिका जी पूजा रूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट मानी गई है, लेकिन आप वेस्ट को भी उतनी ही अच्छी डायरेक्शन मान सकती हैं, उसमें भी आप पूजा रूम बना सकती हैं। आरती जी पूछ रही हैं कि घर में मिरर किस डायरेक्शन में रख सकते हैं। आरती जी मिरर रखने के लिए हम जो अग्नि कोण होता है बेसिकली साउथ होता है और साउथ वेस्ट होता है, उसमें हम मिरर नहीं रखते। मिरर बेसिकली वाटर एलिमेंट होता है, तो नॉर्थ की जितनी भी डायरेक्शन होगी उसमें हम वाटर मिरर को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मिरर को यूज करने से पहले आपको उसका जोन जरूर चेक कर लेना कि अगर वो जोन एक्सटेंडेड है तो आप मिरर मत यूज कीजिए, अगर कट है तो आप उसको बड़ा करने के लिए, जोन को बड़ा करने के लिए भी मिरर को हम यूज करते हैं। इसे हम एक रेमेडी की तरह भी ले सकते हैं, और आप मिरर लगाने से पहले ये देखिए कि उसमें कोई एंटी चीज रिफ्लेक्ट ना हो रखी हो। जैसे अगर हम बाथरूम में लगा देते हैं तो, और अगर हमारी टॉयलेट उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो दो टॉयलेट का असर देना शुरू कर देगी, वो दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी, तो मिरर को बहुत सोच समझ के लगाया जाता है। मोनिका जी पूछ रही हैं कि घर के लिए सबसे अच्छा प्लांट कौन सा है। घर के लिए सबसे अच्छा प्लांट मनी प्लांट को माना गया है। आप नॉर्थ ईस्ट में तुलसी लगाइए, नॉर्थ में आप मनी प्लांट लगाइए जो आपकी अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ा सकता है। आप ईस्ट में भी प्लांट्स लगा सकती हैं। प्लांट्स सारे ही शुभ होते हैं, जिसके अंदर पॉइजन वाला प्लांट और कांटेदार पौधे, ये दोनों हमें अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, सिर्फ गुलाब को छोड़ के। नहीं तो मनी प्लांट को बहुत शुभ माना गया है, जेड प्लांट आप लगा सकते हैं, तो इस तरह के प्लांट्स बहुत अच्छे माने गए हैं नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। मोनिका जी पूछ रही हैं कि उनके हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं। मोनिका जी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो मैं उसका आंसर आपको दे सकती हूँ। जैसे बीपी, शुगर, डायबिटीज, ये जो प्रॉब्लम होती है ये होती है हमारे ईस्ट में, अगर हमारा गैस स्टोव हो या ईस्ट में हमारा इन्वर्टर रखा हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग अलग हेल्थ इशू अलग अलग जोन से रिप्रेजेंट होती हैं। अगर उनको वैसे ही नॉर्मल ही कोई हेल्थ इशू रहते हैं कि कभी कुछ प्रॉब्लम है कभी कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप अपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए, उसका इम्बेलेंस ट्रीट कीजिए। अगर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका इलाज बताती हूँ। वॉशरूम की लोकेशन गलत हो तो हम उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं। रितु जी जब डायरेक्शन में किसी गलत डायरेक्शन में जब वॉशरूम होता है तो उसी हर जोन की अलग अलग रेमेडी है। नॉर्थ डायरेक्शन में भी जितने वॉशरूम जो हमारे गलत आएंगे उसमें आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से उसे ट्रीट कीजिएगा। ईस्ट में जितने आएंगे उन्हें आप स्टेनलेस स्टील की पत्ती से रिमूव ब्लॉक कीजिएगा। साउथ ईस्ट में जो होगा उसे आप कॉपर की स्ट्रिप से कीजिएगा। साउथ वेस्ट में जो होगा उसे ब्रास की स्ट्रिप से आप यूज की ट्रीट कीजिएगा, और जो वेस्ट में होगा उसे आप आयरन की स्ट्रिप से ब्लॉक कीजिएगा, क्योंकि हर मेटल अलग अलग जोन को रिप्रेजेंट करती है और वही उसका काम, उसके इफेक्ट को नलीफाई कर सकती है, तो आप अलग अलग जोन में अलग अलग स्ट्रिप यूज कीजिएगा।
नीतू जी पूछ रही हैं कि वॉशरूम में डेकोरेटिव प्लांट्स रख सकते हैं। नीतू जी बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वही चीज आ जाएगी कि आप साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन और WNW नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तक के वॉशरूम में प्लांट नहीं रखेंगे। नॉर्थ में, ईस्ट में और आप साउथ ईस्ट के इतने जितने भी वॉशरूम के एरिया आएंगे उनके अंदर आप प्लांट रख सकते हैं। अशोक जैन जी पूछ रहे हैं कि इन्वर्टर कहाँ रखना चाहिए। इन्वर्टर के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर उसके अलावा कहीं पे होती है तो हम उसको ट्रीट कर देते हैं। आप जिस जोन में आपका इन्वर्टर है उसको जो ब्लॉक एलिमेंट करता है उसका कारपेट उसके नीचे रख दीजिए तो वो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। सुमिता जी पूछ रही हैं कि क्या साउथ में प्लांट लगा सकते हैं। सुमिता जी बिल्कुल साउथ ईस्ट में आप प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में आप प्लांट्स नहीं लगाएंगे। साउथ ईस्ट में आप रेड कलर के गमलों में प्लांट लगाना, और येलो कलर के गमलों में प्लांट बिल्कुल अवॉइड होता है, क्योंकि येलो कलर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, और अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट जब मिलेंगे तो वो बहुत बर्बादी कर सकते हैं। इसीलिए येलो कलर के गमलों में कभी भी प्लांट नहीं लगा सकते। आई होप आप सभी को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे। एस्ट्रो के लिए हम बहुत जल्दी जुड़ेंगे, जिसमें मैं आपको और आपकी जो क्वेरीज होगी उसके आंसर दूंगी। अगर वास्तु रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आप लोगों का इसी तरह से प्यार बना रहे और मैं इसी तरह से लाइव सेशन करके आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती रहूं। थैंक यू सो मच।